हेलो एवरी वन, आई एम भावना सानी एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो फॉर क्लास 10th। एंड आज हमारा डे 12 है मैराथन में, एंड डे 12 में हम कवर कर रहे हैं पावर शेयरिंग। दैट मीन्स हमारा इको रहता है, पोल साइंस रहती है, हिस्ट्री कंप्लीट हो गई, ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई। तो आई होप आप लोगों ने भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली, और आज हम पोल साइंस शुरू कर रहे हैं। एंड पोल साइंस का पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग। जिसने अभी तक ज्योग्राफी और हिस्ट्री कंप्लीट नहीं करी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एंड आई एम अगेन रिपीटिंग, आपने बोर्ड्स के लिए सिर्फ यही क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, और MCQ के लिए NCERT का चैप्टर थरली रीड करना है, दैट्स इट। उसके बाद यू आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर बोर्ड्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द पावर शेयरिंग। लेकिन अभी इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, लेकिन याद रखना कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए NCERT रीड करनी पड़ेगी। ऑलराइट, बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप एंड शेयर बॉर्डर्स विद फ्रांस - जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। ठीक है, तो जो बेल्जियम है वो एक छोटी सी कंट्री है यूरोप में, और किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करती है? फ्रांस के साथ करती है, जर्मनी के साथ करती है, लग्जमबर्ग के साथ करती है, इटली के साथ करती है, नहीं स्वीडन के साथ भी नहीं करती, नीदरलैंड के साथ करती है। क्लियर? इन श्रीलंका एन एक्ट वॉज पास्ड इन, श्रीलंका में एक्ट कब पास हुआ था याद है? 1956 में पास हुआ था, टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। क्लियर? तो सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज डिसरिगार्डिंग तमिल। तो क्या होगा इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? 1956 सिन्हाला तमिल, सो ये रहा 1956 सिन्हाला तमिल। पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंकन तमिल इज कंसेंट्रेटेड इन - रीजन ऑफ श्रीलंका। जो पॉपुलेशन है श्रीलंकन तमिल की, कौन से रीजन, श्रीलंका के कौन से रीजन में है? दैट इज नॉर्थ एंड ईस्ट रीजन। ठीक है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बेल्जियम, बेल्जियम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है? द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी इन बेल्जियम वॉज रिच एंड पावरफुल, येस। द डच लैंग्वेज इज डोमिनेंटली स्पोकन इन बेल्जियम, नो। ठीक है, उसके बाद नहीं, ये भी करेक्ट है, सॉरी वेट, ये भी करेक्ट है, क्योंकि फ्रेंच रिच और पावरफुल थी और जो डच थी वो मेजॉरिटी में थी। ठीक है, ब्रसल्स इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, करेक्ट। इन बेल्जियम द लीडर्स रियलाइज दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग एंड द इंटरेस्ट ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज, नो डिफरेंट कम्युनिटीज। तो 1, 2 and 3 इज करेक्ट, सो येस 1, 2 and 3 इज करेक्ट। ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, मैच द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम कॉलम ए विद सोशल ग्रुप्स इन कॉलम बी। अगर मैं 59% की बात करूँ तो 59% जो थे वो डच स्पीकर्स थे। ठीक है, 74% की बात करूँ तो वो सिन्हाला स्पीकर्स थे, 40% की बात करूँ तो वो फ्रेंच स्पीकर्स थे, और 18% जो थे वो तमिल स्पीकर्स थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है, A2, B4, C1 and D3। ठीक है, समझ आया? नाउ चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ श्रीलंका इज बुद्धिज्म, येस ऑफिशियल रिलीजन बुद्धिज्म उन्होंने बोला था। श्रीलंकन तमिल रेफर्स टू तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री, ये भी करेक्ट है। द लीडर ऑफ बेल्जियम अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 3 times, नो 4 times उन्होंने अमेंड किया था, तो 1 and 2 इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन ए। मैच द फॉलोइंग कीवर्ड्स फ्रॉम द कॉलम ए एंड देयर एक्सप्लेनेशन इन कॉलम बी। तो एथनिक का क्या मतलब है? आई बिलीव दैट लेट द मेजॉरिटी कम्युनिटी रूल अ कंट्री, कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस, कंफ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप, डिवीजन बेस्ड ऑन द सोशल ग्रुप्स एंड कल्चर। सो एथनिक इज डिवीजन बेस्ड ऑन द सोशल ग्रुप्स एंड कल्चर। अगर मैं सिविल वॉर की बात करूँ तो बेसिकली यहाँ पे सिविल वॉर क्या होगा? अ कंफ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप ऑफ द सेम कंट्री। प्रूडेंशियल इज बेस्ड ऑन कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस, एंड मेजोरिटेरियनिज्म इज अ बिलीव दैट लेट द मेजोरिटी कम्युनिटी रूल द कंट्री। इट इज वेरी ईजी, राइट? देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, विच लैंग्वेज इज मेनली स्पोकन इन फ्लेमिश रीजन ऑफ बेल्जियम। फ्लेमिश में कौन सी बोली जाती थी लैंग्वेज? एक सेकेंड, फ्लेमिश में बोली जाती थी डच लैंग्वेज। फ्लेमिश में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी? फ्लेमिश में डच लैंग्वेज बोली जाती थी। वट इज़ द लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल रिजाइडिंग इन विलोनिया रीजन? विलोनिया रीजन में जो लोग थे वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। इवन दो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सरसाइज पावर, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली, सच एन अरेंजमेंट इज कॉल्ड, इवन दो मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सरसाइज पावर्स,
They are responsible to the parliament or state and assembly. Such an arrangement is called system of checks and balances. ठीक है, system of check and balances. ठीक है, ये basically horizontal line वाला होगा. Which of the following statement accurately distinguish between majoritarianism and power sharing? तो इनमें से कौन सी statement majoritarianism और power sharing को differentiate करती है? A. Majoritarianism emphasizes the dominance of the majority community, while power sharing emphasizes the sharing of power among different groups. ये तो correct है कि majoritarianism majority दिखाती है एक particular community की, और power sharing means sharing the power among the different groups. Majoritarianism emphasizes the need for consensus. नहीं, majoritarian emphasize the importance of accommodating. ये भी पूरा read करने की ज़रूरत नहीं है. Majoritarianism emphasizes the need for peaceful resolution of conflicts. नहीं, so इसका है option A. ठीक है, then moving on to the next question. Although the French were in majority in Brussels, they give equal representation to the Dutch in the government. क्यों? French majority में थी Brussels में, फिर भी उन्होंने Dutch को equal representation दी government में. क्यों? Because the Dutch were relatively rich and powerful in Belgium. No, the Dutch were the natives of the Belgium. No, the French were given equal opportunity in the central government. That is the reason Brussels में उन्होंने Dutch को equal representation दी, क्योंकि French को भी equal representation मिली थी. Learning from Belgium's experience, which of the following step could have most likely avoided in civil war in Sri Lanka that ended in 2009? अब बेल्जियम के एक्सपीरियंस से आपको क्या समझ आता है कि कौन सा स्टेप इनमें से लेना चाहिए टू अवॉइड सिविल वॉर इन श्रीलंका जो 2009 में एंड हुआ. A. Making reservation in jobs for Tamil speaking minority community. B. Dividing the entire country on the basis of linguistic line to appease the citizen. Devising laws to accommodate the ethnic difference of different citizens to ensure peace. मतलब ऐसे laws बनाना जिसमें सारी communities जो है easily accommodate कर सके और एक दूसरे के साथ peacefully रहे. Right? How many people speak French and Dutch in the capital city of Brussels? Brussels में 80% French थे speaking थे और 20% Dutch speaking थे. What is the ethnic composition of Sri Lanka? Sri Lanka में Sinhala speakers 74% थे, Tamil speakers 18% थे. And Tamil में भी दो groups थे, एक थे Sri Lankan Tamils और एक थे Indian Tamils. Clear? Match the list 1 form of power sharing, ye ho gaya list 1, with list 2, this is the form of government, and select the answer using the codes given below. ठीक है, तो इसके according हमें select करना है. पहले हम match the following ही करते हैं. Power is shared among different organ of the government. अगर मैं बोलूँ कि power is shared among different organs of the government, तो ये कौन सी हुई? इसमें power separation of powers दिखाई हुई है. Okay, power is shared among the different levels. Power is shared among the different levels. Federalism हो गया ये. ठीक है. Power is shared by different social group. ठीक है. Power is shared by different social group. तो communities के बीच में power share हो रही है. Power is shared by two or more political parties. That is coalition government. तो ये क्या हो गया? वन का हो गया बी. यहाँ मैं लिख देती हूँ. टू का हो गया आपका डी. थ्री का हो गया आपका ए. एंड फोर का हो गया आपका सी. ठीक है, तो लेट्स सी वन का बी या तो ये है या ये है, तो इन्हीं दोनों में से कोई करेक्ट होगा. ठीक है, बी या सी में से. टू का डी. तो ये रहा टू का डी, वन का बी. ठीक है, थ्री का ए एंड फोर का सी. सो सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Fill in the blanks. Dash was chosen by European Union as its headquarter. European Union का headquarter कहाँ बना था? Brussels में बना था. Okay? European Union का headquarters कहाँ बना था? Brussels में बना था. Now, study this map thoroughly and mention the language that are dominantly spoken in Belgium. तो पूरे Belgium में कौन सी language पर बोली जाती थी? Study the map. एक तो यहाँ पे Dutch, French, German. ठीक है, द लैंग्वेज दैट आर डोमिनेंटली स्पीकन. जर्मन तो सिर्फ इतनी सी है, ठीक है, ये पूरी फ्रेंच है और ये पूरी डच है. ठीक है, और इतने से रीजन में फ्रेंच और डच दोनों थे, तो मैं ये बोल सकती हूँ डोमिनेंटली तो डच और फ्रेंच ही है. ठीक है, समझ आया. शेयरिंग ऑफ पावर मेक्स अ कंट्री मोर पावरफुल एंड यूनाइटेड. डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट एंड वाई? और
power sharing is the very spirit of democracy. Justify this statement with the three suitable points, or how far do you agree with the statement that power sharing is keeping with the spirit of democracy? ठीक है, तो शेयरिंग ऑफ पावर बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्री के लिए, एंड वो कंट्री को यूनाइट भी करके रखती है. लेट्स सी. यस, पावर शेयरिंग कीप्स अप द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. पावर शेयरिंग से क्या होगा, हर एक लोगों का गवर्नमेंट में स्टेक होगा. ऑल द पीपल हैव स्टेक इन गवर्नमेंट. पावर शेयरिंग इंश्योर करता है कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो. इट अपहोल्ड्स द कंसेप्ट ऑफ पीपल्स रूल. इट विल ऑलवेज ब्रिंग बेटर आउटकम्स इन डेमोक्रेसी. इट इंश्योर्स दैट पीपल आर कंसल्टेड इन हाउ दे आर टू बी गवर्न्ड. पावर शेयरिंग अकोमोडेट डाइवर्स ग्रुप. इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स. ठीक है, उसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Explain any three consequences of the majoritarian policies adopted by Sri Lankan government. तो कोई भी तीन consequences बताने हैं जो majoritarian policy के थे जो Sri Lankan government ने adopt करे थे. ठीक है, so सबसे पहले Tamil felt the government was not sensitive to the Tamil language and culture. Second, Tamil felt discriminated against jobs and education. Then Tamil felt the government was practicing religious discrimination. Relationship between Tamils and Sinhalas became strained. Several political organizations were formed demanding an independent Tamil alam in the northern and eastern part of Sri Lanka. The distress between the two communities turned into civil war in which thousands of people from both the communities were killed. It caused a terrible setback to the social, culture, economic life of the country. Right? Now the difference between horizontal division of power and vertical division of power. अगर मैं horizontal division of power की बात करूँ तो ये power sharing arrangement है in which power is shared among different organs of the country. Horizontal ये होता है, vertical ये होता है. Different organ, legislative, executive and judiciary. ठीक है, फिर उसके बाद vertical form of government in which power is shared among the different levels of the country. That is, it involves higher and lower level of the government, central, state and local. Clear? In the horizontal division of power, different organs of the government exercise different powers. In the vertical division of the government power, the constitution clearly lays down the power of different levels of the government. Horizontal distribution specifies the concept of checks and balances in order to check the exercise of the unlimited powers of the government, and there is no concept of check and balances because powers are clearly mentioned in the constitution from the higher level to the lower level. क्लियर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तीन डिमांड्स बतानी है श्रीलंकन तमिल की, विच वॉज एक्सेप्टेड एंड मेट एंड विच कुड हैव एक्सेप्टेड, जिसको हम एक्सेप्ट कर सकते थे एंड उससे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट भी खत्म हो जाता. कौन कौन सी डिमांड थी? रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर तमिल्स इन गवर्नमेंट जॉब्स इन एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटीज, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी फॉर तमिल डोमिनेटेड प्रोविंसेस. नेक्स्ट आता है, व्हाट इज पावर शेयरिंग, गिव रीजन व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, या फिर व्हाट इज पावर शेयरिंग, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, एक्सप्लेन बाय गिविंग प्रूडेंशियल एंड मॉरल रीजन. ठीक है, सो व्हेन द पावर डज नॉट रेस्ट विद एनी वन ऑर्गन ऑफ द स्टेट, रादर इट इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, इज कॉल्ड पावर शेयरिंग. इट इज डिजायरेबल बिकॉज ऑफ द टू रीजन. वन इज प्रूडेंशियल. प्रूडेंशियल में क्या होता है, इट हेल्प्स रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स. Reduce conflict between social group ensures the stability of the political order and promotes the unity of the nation. And moral reasons ki baat kare, to power sharing is the very spirit of democracy. A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with it effect. People have a right to be consulted on how they are to be governed. Power sharing helps in producing a legitimate government where citizens through participation acquire a stake in the system. Clear? Then moving on to the next question. Here are some examples of power sharing. Which of the four types of power sharing do these represent? Who is sharing power with whom? ठीक है, सो द बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट टू इमीजिएटली टेक एक्शन एंड इम्प्रूव लिविंग कंडीशन फॉर 2000 odd चिल्ड्रन एट 7 चिल्ड्रन होम्स इन मुंबई. तो यहाँ पे कौन सा आता है, यहाँ पे आता है हॉरिजॉन्टल. सो हॉरिजॉन्टल मीन्स ऐसे सेम लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, जुडिशरी एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन दिस केस. हेयर पावर इज शेयर्ड अमंग. उसके बाद नेक्स्ट आता है, द गवर्नमेंट ऑफ ऑन्टेरियो स्टेट इन कैनेडा हैज़ अग्रीड टू लैंड क्लेम सेटलमेंट विद द अबॉर्गनल कम्युनिटी. द मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेटिव अफेयर अनाउंस दैट द गवर्नमेंट विल वर्क विद द अबॉर्गनल पीपल इन अ स्पिरिट ऑफ न्यूट्रल रिस्पेक्ट एंड कॉर्पोरेशन. तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट सोशल
एंड एथनिक ग्रुप के बीच में पावर शेयर हो रही है. नेक्स्ट, रशियाज टू इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल पार्टी द यूनियन ऑफ राइट फोर्सेज एंड द लिबरल यूबोल्को मूवमेंट अग्री टू यूनाइट देयर ऑर्गेनाइजेशन इन टू अ स्ट्रॉन्ग राइट विंग कोएलिशन. दे प्रपोज टू हैव अ कॉमन लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स इन द नेक्स्ट पार्लियामेंट इलेक्शन. तो ये पावर शेयरिंग किसके बीच में? टू पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में. इफ द अलायंस इज इलेक्टेड दे फॉर्म अ कोएलिशन गवर्नमेंट एंड शेयर पावर. नेक्स्ट आता है द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ वेरियस स्टेट इन नाइजीरिया गॉट टुगेदर एंड डिमांडेड दैट द फेडरल गवर्नमेंट डिक्लेयर इट्स सोर्स ऑफ इनकम. दे ऑल्सो वॉन्टेड टू नो द फॉर्मूला बाय विच दिस रेवेन्यू इज टू डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस स्टेट गवर्नमेंट. सो दिस इज अ वर्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. पावर इज शेयर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. क्लियर? एनी डाउट टिल हेयर? ओके, नेक्स्ट, डिस्क्राइब द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट मेड बाय बेल्जियम या एक्सप्लेन एनी थ्री एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग या फिर व्हाट चेंजेस वर डन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम. सो सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम मॉडल आर द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. सम स्पेशल लॉज रिक्वायर्ड द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप. द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. Brussels has a separate government in which both the community have equal representation. And apart from central and state government, there is a third type kind of government known as community government. Community government is elected by people belonging to one language community, Dutch, French and German speaking. Now, major forms of power sharing in modern democracy, major form of power sharing among different organs of the government. This is horizontal. Power sharing among different levels of the government, this is vertical. Power sharing among different social groups, power sharing among political parties, special groups and movement. And in a democracy, we find interest groups such as business, farmers and industrial workers. Clear? Till here? Next, describe any three majoritarian measures adopted by Sri Lankan government to establish Sinhala supremacy. Describe any three provision of the act which was passed in Sri Lanka in 1956 to establish Sinhala supremacy. Why did Sri Lankan Tamil felt alienated? Most important question. Because the government adopted majoritarian measure to establish Sinhala supremacy in 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the official language, thus disregarding Tamil. The government followed preferential policies that favored Sinhala's applicant for university position and government jobs. A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. Okay. Next are the advantages of horizontal form of power sharing. With an example, the power is shared among different organs of the government equally. Horizontal power sharing places all the organ of the government, that is legislature, executive and judiciary, at the same level. Under this kind of power sharing, no organ can exercise unlimited power. That is why this system is also known as system of checks and balances. For example, in India, though the minister and government official exercise power, they are responsible to the parliament or state legislature. Similarly, all the judges are appointed by the executive. They can check the functioning of the executive or lower laws made by the legislature. Clear? Then moving on to the next question. Bring out any sharp contrast between Belgium and Sri Lankan democracy. ठीक है, श्री लंका एंड बेल्जियम आर बोथ डेमोक्रेटिक कंट्रीज येट हैव डाइवर्स सोशल सेटअप. बोथ कंट्रीज हैव अडॉप्टेड वेरी डिफरेंट अप्रोचेस व्हेन इट कम्स टू पावर शेयरिंग. बेल्जियम अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ अकोमोडेशन ऑफ सोशल एंड एथनिक डिविजन. ऑन द अदर हैंड, श्री लंका ऑल्सो अडॉप्टेड डेमोक्रेटिक सिस्टम बट फॉलोड मेजोरिटेरियनिज्म पॉलिसीज. Under the Belgian model of democracy, power was shared among two ethnic groups. Sri Lanka favored the interest of the majority Sinhala community. And in Belgium, both groups had an equal share in the working of the government. But in Sri Lanka, the minority community was isolated. To maintain political stability and unity, equal representation was provided to both the groups. Apart from that, the community government of both ethnic groups also existed at the local level. Sri Lanka, however, had no such arrangements. Belgium's constitution was amended 4 times before arriving at a final draft to prevent civil strife. In Sri Lanka, majoritarianism led to civil war for 20 long years. Clear? Any doubt till here? Alright. Now moving on to this, read the passage and observe the image here, mentioned here. Answer the question that follow. Take care. The cartoon above refers to the problem of running Germany's grand coalition government that includes the country's two major party, namely the Christian Democratic Union and the Social Democratic Party. Okay.
the two parties are rivals to each other. They had to form a coalition government because neither of them got a clear majority of seats on their own in the 2005 election. They take divergent position on several policy matters but jointly run the government. Which disadvantage of coalition government is the image highlighting? ठीक है, अब coalition government may not agree on policy and decision that can affect a country's progress. ठीक है, next, why did the rival party choose to make a coalition despite being rival? Because उनको majority of seats किसी एक को नहीं मिली थी. The government at the center enforces policy decision that affects the entire country, including the people who support each party. Thus, the rival party preferred to make a coalition. How does democratic system at time cause such challenge? Democracy enables people to vote for their chosen representative. In the absence of a clear majority, political parties may form a coalition. Clear everyone? Any doubt? अगर कोई भी doubt है, you can comment in the comment box. आपने power sharing के सिर्फ यही question करने हैं, and यहाँ पे आपका power sharing board के लिए ready है. Alright, so yes, I will be meeting you guys super soon in my next video. And for the notes of this video or the PDF of these questions, do not forget to contact us on the number which is given below in the description box. So bye bye everyone.